आप देख रहे हैं TNB। वाराणसी पुलिस ने मंगलवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल छात्र और अन्य व्यक्ति को NET परीक्षा हल करने के रैकेट में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि चिकित्सक की पहचान डॉक्टर ओसामा शाहिद के रूप में की गई है। दूसरे व्यक्ति का नाम अभय कुमार मेहता है। इससे पहले पुलिस ने एक BDS छात्रा जूली कुमारी को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर वास्तविक उम्मीदवार का रूप धारण की हुई थी। उसकी मां को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। मेहता गिरफ्तार BDS द्वितीय छात्र जूली कुमार का भाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालवड़ गैंग से 5 लाख रुपए का प्रस्ताव मिलने के बाद मेहता ने त्रिपुरा की एक उम्मीदवार हेना विश्वास की जगह जूली को नीट परीक्षा में देने के लिए मना लिया था। गिरफ्तार किए गए चारों से पूछताछ के आधार पर रैकेट के कुछ अन्य सदस्यों की पहचान की गई है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और कई अन्य राज्यों में कथित रूप से सक्रिय हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस ने घोटाले से जुड़े अनेक लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई हैं। मीडिया से बात करते हुए वाराणसी के पुलिस आयुक्त A. सतीश गणेश ने कहा कि मऊ जिले के मूल निवासी शाहिद, जो इस साल KGMU लखनऊ में MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए थे, पटना के एक सॉल्वर की ओर से उम्मीदवारों का गिरोह ढूंढते थे। उन्होंने कहा, यह गिरोह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए नकल करने वालों को भेजने का ठेका लेता था। परीक्षा में पास होने पर गैंग उम्मीदवार से 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक कुछ भी लेता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 15 प्रवेश पत्र, उम्मीदवारों की 4 तस्वीरें, कुरियर की 4 रसीदें, गिरोह के सदस्यों से चैट करने वाले 2 मोबाइल फोन, पैसे के लेन देन का विवरण और अन्य सामानों की प्रतियां भी बरामद की है। उन्होंने कहा, मंगलवार को गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से संबंधित अपने गिरोह के सदस्यों के नामों का खुलासा भी किया है। अन्य सदस्यों के साथ साथ गिरोह के सरगना को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन भी किया गया। ये कहते हुए कि शाहिद लोगों के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रहा था। आयुक्त ने आगे बताया कि एक आपूर्ति पक्ष और एक मांग पक्ष है। मांग पक्ष कोचिंग सेंटरों पर केंद्रित है और उन उम्मीदवारों पर डेटा पुनर्प्राप्त करता है जो अच्छे परिवारों से संबंधित हैं और असफल रहे हैं। पिछले प्रयासों में NET परीक्षा पास करे और आपूर्ति पक्ष उज्जवल उम्मीदवारों की पहचान करता है जिन्होंने हाल ही में परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन आर्थिक रूप से वे कमजोर हैं। आपको बता दें कि इस मामले में धारा 419 जो प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी का मामला, धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, धारा 467 जालसाजी, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, धारा नंबर 471 धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज को वास्तविक तरीके से उपयोग में लाना, इसके तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह जानता है या उसके पास एक जाली दस्तावेज होने का विश्वास है और सबसे बड़ा कारण आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत में जयपुर पुलिस ने एक 10 सदस्य गिरोह को गिरफ्तार किया था, जो आर्थिक रूप से मजबूत छात्रों को नीट परीक्षा में मदद करने के लिए डमी उम्मीदवारों की मदद से मदद कर रहा था, जिन्हें असली की तस्वीरों को संपादित करके उनके स्थान पर परीक्षा देने के लिए बनाया गया था। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों की तस्वीर होती थी। हैरानी की बात यह है कि इन आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों को इस बात की पुष्टि की कि वे पिछले 1 साल से डमी उम्मीदवारों को ठिकाने लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढना एक कठिन काम था जो परीक्षा दे सकते थे और असली उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने में मदद कर सकते थे। उन्होंने पूछताछ के दौरान खुलासा किया। पुलिस ने 10 सदस्य इस गिरोह को रविवार को नीट परीक्षा शुरू होने से चंद घंटे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।